नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो हमने जिस ढंग से पहले भी बताया था कि जो गिरावट है अब थमते हुए नजर आएगी, तो हमने देखा पिछले एक हफ्ते में कॉपर में अच्छी खासी रिकवरी आ गई है और प्राइजेस 870 के करीब पहुंच गए। वहीं जिंक की अगर बात करें तो प्राइजेस में रिकवरी अच्छी आई है, जो 273-274 जोन पे आ चुका है। लेड के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 190 के ऊपर नहीं जा रहा, बट 89-90 पे ही जाकर रुका हुआ है। एल्यूमिनियम में हायर लेवल से हमने दबाव अभी भी देखा है। जिस ढंग से पहले हमने देखा सप्लाई साइड टेंशन था जो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर गया, लेकिन अब चाइना में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ने की बात आ रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस करीबन 1.5% की गिरावट के साथ 230 के नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो हमने जो तेजी देखी उसमें मुख्य कारण रहा है डॉलर। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट आती हुई देखी, पूरे कमोडिटी पैक को इसका सपोर्ट मिला है। साथ में हमने देखा है कि जो प्रेशर पड़ा था वो डिसअपॉइंटमेंट था इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट चाइना से, बट अभी भी चाइना जो भी स्टेप इन कर रहा है उसका कोई ज्यादा मेजर इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि प्राइजेस पे नहीं आ रहा है। बट हाँ, सीजन के हिसाब से डिमांड में इंप्रूवमेंट आ सकती है, सप्लाई साइड कुछ कंसर्न रहेगा वो प्राइजेस सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले कॉपर की बात करें तो कॉपर में गिरावट का मुख्य कारण था कॉपर के जो आउटपुट है उसमें करीबन 8.2% का हमने इजाफा आते हुए देखा 2024 के पहले 5 महीने में, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव आया था। वहीं मई में एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि चाइना से जो कोडेल्को की कॉपर आउटपुट है वहां पे हमने काफी अच्छा जंप देखा था, जिसका एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट हालांकि अब माना जा रहा है कि जो डिमांड है ईवी सेक्टर से काफी स्ट्रांग रहनी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी चाइना में इंप्रूव होने की जरूरत है जुलाई अगस्त सितंबर में, जिसकी वजह से कॉपर को लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। तो अगले एक हफ्ते के लिए हम देखेंगे 9700 से 10100 का एक दायरा रहेगा एलएमवी कॉपर का। डोमेस्टिक मार्केट पे अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है 660-64 का जो रेंज है वो अच्छा रेंज है, लेना चाहिए। 875 का लेवल टूटने पे 885 तक का लेवल देख सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर हमने रिसेंटली देखा चाइना से जो MMG माइंस है वहां पे प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से बड़ी रैली आई थी। बट अब कहीं ना कहीं जो सरप्लस है वो वहां पे भी गिरावट था जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा था। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरफ चाइना सेंट्रल बैंक जो स्टेप्स ले रहा है पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी ओर चाइना से भी जो सप्लाई साइड कंसर्न्स है वो भी जिंक को सपोर्ट करेगा। तो 270 का लेवल जब तक ब्रीज नहीं करता 278 तक का लेवल मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर अपसाइड थोड़ा गैप दिख रहा है, जिस ढंग से पहले कंसर्न रशियन मेटल को लेकर था वो अब कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिंक एल्यूमिनियम के अंदर 225 से 232 का ब्रॉडर रेंज रहेगा, थोड़ा 225 तक मिलता है तो बाइंग करके चले। लास्ट अगर लेड की बात करें तो वैसे भी मार्केट दायरे में जब तक 190 के ऊपर नहीं निकलता है 187 से लेकर 190 के जोन में रहेगा। कुल मिला के कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी मुझे लगता है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट एक बार दिखा सकता है। धन्यवाद।